मेरे नौजवान साथियों, अध्यक्ष महोदय, संचालक कमेटी और कमेटी के ने जो आदेश रखा है उसका पालन करना हमारा कर्तव्य है। देखिए, कवि ने अपनी कलम को उठाया और कवित्व में क्या लिखा। अरे बंदे, भगवान ने तुझे भेजा है इस मृत लोक में, पर हुआ क्या? तुझे क्या मिल गया जालिम,
तुझे क्या मिल गया है जालिम किसी का दिल दुखाने में, और वहां एक काम चलता है खुदा के कार। ये हमारे सरपंच साहब जी रातराट निवासी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार, मैं उनके लिए बार बार धन्यवाद दूंगा। जब ये कहो इधर में क्या हुआ, आज पांचों पांडव द्रौपदी शहर अपना 12 साल का वनवास और 1 साल का वास अज्ञात वास व्यतीत कर रहे थे, पर हुआ क्या? आज कौन का वो कीचक 51 रुपए का पुरस्कार विजय सिंह जी, शोभाराम जी हमारे लिए 51 रुपए का पुरस्कार देते हैं, हरिराम सुवेदार जी की तरफ से और 51 रुपए का पुरस्कार प्रभुजा जी, गजेंद्र सिंह 51 रुपया और फूल सिंह जी 51 रुपया भगवान सिंह पुजारी जी, जवाहर सिंह जी 51 रुपए का पुरस्कार देते हैं, जल सिंह जी हमारे लिए 51 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं, करण सिंह जी मैं उनके लिए बार बार धन्यवाद दूंगा 51 रुपए का पुरस्कार, नेकू सिंह जी हमारे लिए 51 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। जब ये कहो आज मेरे बंधु हो, आज कीचक ने देखा कि बहन ये सुंदरी तुम्हारे यहां कहां से आ गई, जब कहा कि बहन मेरे यहां पर एक दासी का काम कर रही है, इसके साथ हम 5 कंदरप हैं, वो इसके रखवाले हैं। आज द्रौपदी जैसे जल भरने जाती है, द्रौपदी के हाथ को पकड़ लेता है, कहता है कि तू भिखारियों के साथ में घूम रही है, चाल मैं तुझे अपनी पटरानी बना के रखूंगा। कहा कि अगर इससे मना करती हूं तो मेरी इज्जत पर हाथ डाल देगा, कह देती है शाम को अपने 5 पतियों धोखा देकर के तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। आकर के गांधीधारी अर्जुन से कहो, धर्मराज दूसरे से कहो, निकुल से कहा, सहदेव से कहो कि हमारी सहायता करो, उन्होंने मना कर दिया, तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर पाएंगे। जब भीमसेन से कहो तो देखिए सुनिए साहब, जो जिकड़ी यहां से शुरू होती है, सुनिए सुनते जाना, कहो अरे
दबा दिया है। गिर गिर के परम से किए हैं करम, गिर गिर के करम से किए हैं करम, धर्म के पुजारी ही बेचे धर्म, पर बहु बेटियों की बिके है शरम। क्यों रामायण संग गीता से बन रहा है। कहती है कि जल्दी से द्रौपदी मुझे नार बनाओ, पर कैसे भैया? कमेटी का आदेश गाया सुनेंगे, पर गाय को हर इंसान नहीं समझता है, गाया है क्या? सुनिए साहब, कपाल किया इस टेक सुनाएंगे मास्टर जी। अरे कर सो ले श्रृंगार चलो पुरस्कार हमारे भैया की तरफ से। पर कहा कि पहले के स्नान ध्यान ईश्वर को धारो और जल लियो घांगरो पहरे रेशमी दमक, जमे लगे रंगन के बोर और चूंदर ओड़ी शीश पे जमे छपे पपैया, सो मांग कार कंगा से लीनी पटिया पारी। भीमसेन जनाना बन रहा है, सोलह श्रृंगार हो गए। द्रौपदी खड़ी खड़ी मुस्करा रही है कि देवी तुम क्यों मुस्करा रही हो, कैसे तुम मुझसे भी ज्यादा अधिक मलूक लग रहे हो। जब ये कहा और कीचक क्या कर रहा है, अरे बेटो बेटो मढ़ी पे जिगड़ी की बात आप सुनेंगे, एक भी नहीं छूटेगी। अरे बेटो बेटो मढ़ी पे अब कीचक देखे पार, अरे पापी ने मां कर रखे रे भैया अजबन रहने पार।
एक बात है, इंतजार कर रहा है वो सुंदरी कवाने वाली है। इधर में भीमसेन तैयार होकर जा रहा है। कैसे? बिछुअन की झनकार सो दोस्त सोने मंदा हो रहा है पर कर क्या रहा है। अरे खलने तनक, अरे खलने तनक भैया पकड़े भी पकड़े
देखे जैसे में प्रभु राम मां जानकी को सीता जी को घर से निकाल देते हैं, कैसे निकाल रहे हैं और मां क्या कहती है, सीता जी सुनिए, हे रघुबर मुझको गाने के बोल क्या है, मत प्रेम करो पर कहा, मत प्रेम करो परदेसी से, एक दिन तो जुदा हो जाएगा रे, मत प्रेम करो परदेसी से, कहा क्या कहा, हे रघुबर मुझको जवाब दिया है, देखा रुपये का पुरस्कार महेश गंबरदार जी, हे रघुबर मुझको बतलाओ बेटा रामवीर, हे रघुबर मुझको पुरस्कार सुनील जी की तरफ से, कहा क्यों घर से मुझको भगा रहे, आप कर धोबी की बातों में क्यों घर से मुझको भगा रहे, पर क्या कहा लाज तुम्हारे हाथों में रे,
तब भी उतनी पावन थी और आज भी मैं उतनी पावन हूं, पावन हूं। पर एक बात है, टुकड़ा करके मुझको स्वामी कहा जाऊं इन हालातों में, जंगल में एक दिन घुट घुट के मैं तो यो ही मर जाऊंगी। तो एक दाग बुरा लग जाएगा, कहा एक दाग बुरा लग जाएगा, और मैं नाते और अनुष्ठान में तो हर से मुझको भगा रहे। भगवान आपको ये मालूम है मैं इस समय गर्भवती हूं, इस हालत में मुझे तुम घर से निकाल रहे हो, कहां पर मैं जाऊंगी? पर क्या कहा, पवन ये गुरु राघव, मेरा मन है पवन ये गुरु राघव, कहा मेरा मन है पवन मेरा गुरु।